नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। गलवान में विवाद जारी है और वार्ता पर वार्ता भी हो रही है, लेकिन कुछ हल निकलने के बजाय मामला भारत और चीन के बीच और ज्यादा क्रिटिकल होता जा रहा है, क्योंकि भारत की यही मांग है कि चीन पीछे हटे और चीन भारतीय जमीन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसी बीच चीन को आर्थिक, सामरिक, राजनीतिक चोट पहुंचाने के लिए भारत और अमेरिका एक साथ आए हैं। जी हाँ, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर भारत दौरे पर हैं। क्वाड के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री के भारत दौरे को काफी अहम माना जा रहा है और नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ होने वाली ये बैठक कई मायनों में ऐतिहासिक मानी जा रही है। चीन के खिलाफ जवाबी रणनीति के अलावा इन दोनों देशों में महत्वपूर्ण सैन्य समझौते भी होंगे और बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशल कोऑपरेशन पर भी सहमति बन जाने की पूरी संभावना है। यहाँ पर एक जानकारी आपको देते चलें कि पीएम मोदी के दिए फॉर्मूले 2+2 के तहत ये वार्ता हो रही है, हालांकि इसका मतलब सिर्फ द्विपक्षीय बातचीत से ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में अपनी पहली मुलाकात के दौरान 2+2 वार्ता की घोषणा की थी। सितंबर 2018 में नई दिल्ली में इसकी पहली बैठक हो चुकी है, जबकि पिछले साल दिसंबर में वॉशिंगटन में दूसरी बार वार्ता हुई थी। 2+2 डायलॉग ने ओबामा प्रशासन में दोनों देशों के बीच होने वाली विदेश और वाणिज्य मंत्री स्तर की बैठक की जगह ली है। जानकारों की माने तो इस बैठक का फॉर्मेट जापान से निकला है, जिसका मकसद दो देशों के बीच रक्षा सहयोग के लिए उच्च स्तरीय राजनयिक और राजनीतिक बातचीत को सुविधाजनक बनाना है। इसे 2+2 इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दो देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच होने वाली संयुक्त बैठक होती है। अमेरिका चीन को लेकर काफी आक्रामक है। अमेरिका भारत से रक्षा सहयोग बढ़ाकर दक्षिण एशिया में चीन पर लगाम लगाने की रणनीति पर काम कर रहा है। भारत और यूएस के बीच बढ़ती सिक्योरिटी कॉरपोरेशन को चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी महत्वाकांक्षा पर खतरे के रूप में देख रहा है। जानकारों की माने तो इस बैठक में बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशल कोऑपरेशन पर हस्ताक्षर होंगे। अमेरिका के साथ BECA से भारत को बेहद सटीक जियो स्पेशल डेटा मिलेगा, जिसका सेना में बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो आप समझ सकते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच क्या होने वाला है, और इन सब बातों से पर्दा तब उठेगा जब भारत और अमेरिका एक संयुक्त बयान देंगे। लेकिन फिर भी 2+2 वार्ता ने चीन की नींद उड़ा दी है।